जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर को होने वाले आर्मी के रिटन टेस्ट के बारे में, क्योंकि सेना ने आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या 31 अक्टूबर को रिटन जो परीक्षा थी, जिसका काफ़ी लंबे समय से हमारे जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, क्या वो 31 अक्टूबर को हो पाना पॉसिबल है या सेना की तरफ से एक बार फिर से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया। साथियों, यदि हम पास्ट की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से लगभग फरवरी और मार्च के महीने से ही जो रिटन टेस्ट हमारे होने वाले थे वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं। न जाने कितनी ही डेटें बच्चों को दी गई, तकरीबन 3-4 बार जो है हमारा टेस्ट पोस्टपोन हो गया। काफ़ी लंबा इंतजार करने के बाद भी एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी पीछे जो नोटिफिकेशन जो सेना की तरफ से जारी किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रोल हो रहा है कि 31 अक्टूबर 2021 को होने वाला जो इंडियन आर्मी का जो रिटन टेस्ट था उसको एक बार फिर से सेना की तरफ से स्थगित कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर नहीं है मेरे वाले साथियों के लिए जो 31 अक्टूबर की उम्मीद लगा के बैठे थे कि 31 अक्टूबर को उनका टेस्ट होने वाला है, क्योंकि सेना ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है कि ये टेस्ट अब नहीं होगा। साथियों, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, यदि मैं स्टेट्स की बात करूँ, मैं अपनी ही स्टेट हिमाचल की बात करूँ, तो हिमाचल में जो है कॉलेज प्रॉपरली चल रहे हैं। अगर मैं हिमाचल में बात करूं टेट की, तो देखिए टेट की परीक्षा भी हमारे नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगी। अभी अभी हमारे बीएड की भी परीक्षाएं हुई, फिर ना जाने क्यों उन साथियों के साथ जो सेना का फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं, ना जाने क्यों उनके साथ ऐसा धोखा हो रहा है, क्यों उनकी परीक्षा नहीं ली जा रही है। यहाँ पर कोरोना ने, अगर हम बात करें किस रीज़न से जो है इस भर्ती का या इस रिटर्न को आगे पोस्टपोन किया है, सेना का कहना है कि ड्यू टू कोविड जो सिचुएशन है उसकी वजह से इस परीक्षा को आगे पोस्टपोन किया गया है और आने वाली डेट जो है आपको जल्द ही बताई जाएगी, आने वाले समय में बताई जाएगी। और ये सुनते सुनते हम थक चुके हैं, हमारे बच्चे थक चुके हैं। बच्चे ने जो रिटर्न में पहुंचता है उसने खून पसीना एक करके जो है दिन रात एक करके जो है रिटर्न तक वो पहुंचता है। हजारों लाखों युवाओं में से कुछ चुनिंदा जो हमारे साथी होते हैं वही रिटर्न तक पहुँच पाते हैं, लेकिन आज लगभग 7-8 महीने बीत जाने के बाद भी उनका टेस्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनमें भरपूर निराशा है इस सिस्टम के प्रति भी, और काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज भी हैं बच्चे, क्योंकि एक बार, चलिए एक बार आपका टेस्ट पोस्टपोन हो गया बड़ी बात नहीं है, दो बार हो गया बड़ी बात नहीं, लेकिन 4-5 बार टेस्ट का पोस्टपोन होना बहुत ही दुखद है, क्योंकि बाकी हर चीज़ हो रही है, स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिटर्न टेस्ट का कोई नामो निशान नहीं है। साथ ही साथ इससे जो हमारे बच्चे हैं जो आने वाली भर्तियों की या फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो भी फेड अप हो रहे हैं, उनको भी ये लग रहा है कि यार अभी पीछे वालों का ही हमारी भर्ती नहीं हो रही है तो आगे वाले का फिर क्या ही होगा। तो एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि क्यों बच्चों के साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है। बच्चे हर बार ये उम्मीद लगाते हैं कि शायद इस डेट को हमारा टेस्ट हो जाएगा, लेकिन जब उस डेट के नज़दीक पहुँचते हैं तो उस टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसी चक्कर में बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो अपनी आयु सीमा को भी लगभग पूरी करने वाले हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो सेना भर्तियों से उत्तीर्ण भी हो जाएंगे। इस देश का हर युवा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सेना में जाने का सपना देखता है, लेकिन अगर इस तरीके से सेना के नाम पर बच्चों के साथ धोखा होगा तो ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है, क्योंकि सेना की जो भर्तियां होती थी इसको हम बिल्कुल निष्पक्ष और प्रॉपरली तरीके से हुआ करती थी, लेकिन आज जो है बार बार जो टेस्ट पोस्टपोन होना बहुत ही दुखद है। चलिए, हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो है जल्द ही आपका टेस्ट करवा दिया जाए। साथ ही साथ मेरे जितने भी भाई रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी रिटर्न की तैयारी जारी रखें, क्योंकि जब भी आपको टेस्ट का मौका मिले आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए, क्योंकि आपने इतना लंबा इंतजार किया है। ऐसा ना हो कि सडनली आपका टेस्ट हो जाए और आपकी तैयारी बिल्कुल ना हो, इसलिए अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखें, चाहे धीरे धीरे रखें पर कंटिन्यू रखें, ताकि भविष्य में आने वाले समय में आप सेना में चयनित हो जाएं और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जल्द ही आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा दिया जाए। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।